हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। अगर आप क्लास 11th या 12th में कॉमर्स फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्लास 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यू आर CA और CA होके 11th 12th में आप पढ़ा रहे हैं, कुछ तो मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है, यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। CA हो के 11th 12th को पढ़ाना मतलब एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल चीज नहीं होती, डेफिनेटली नहीं है। 11th 12th को पढ़ाने के पीछे मेरा पर्पस है स्टूडेंट को प्रिपेयर करना बाद के लिए। 11th 12th में तो डेफिनेटली अगर मैं एक अच्छे से सही तरीके से पढ़ा देता हूं और स्टूडेंट उसको समझ जाता है, तो 11th 12th तो बहुत ईजी हो ही जाना है। उसमें तो 95% अबव मार्क्स लाना एक कंफर्टेबल जोन वाली बात हो ही हो जानी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना कि उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम आती है जब हम 11th 12th में पढ़ते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है सिर्फ 11th पढ़ लो भाई, 12th पढ़ लो। हमारा ये नहीं पता होता है कि उसके बाद हमें क्या जरूरत होगी। चाहे आप CA CSCMA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कोई बाहर जाके कोई क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट, वॉट एवर द कोर्स यू वॉन्ट टू डू, हर जगह आपको कोई ना कोई नॉलेज चाहिए होती है। अब बींग ए चार्टेड अकाउंटेंट मुझे पता है कि ठीक है, मैं CA CSCMA को भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि फाउंडेशन लेवल से लेकर फाइनल लेवल तक क्या नॉलेज की जरूरत होती है। मुझे ये भी पता है कि आफ्टर बींग ए CA प्रैक्टिकली हमें क्या जरूरत पड़ती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना, फाउंडेशन कौन सा, 11th 12th स्ट्रांग हो, तो 11th 12th में तो टॉप करना ही करना बनता है और उसके बाद कभी पूरी लाइफ दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है जब मैं CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, वो मेरे पास आते हैं और मतलब आई जस्ट गॉट अमेज्ड कि कैसे वो उन्होंने इतने 11th 12th में मार्क्स लेके आए। पूरा क्रैमिंग होती है, नहीं समझ में आता, बस टारगेट होता है 11th में मार्क्स लेकर 12th में, उसके बाद जो उन्हें CA में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए 50% स्टूडेंट्स CA क्रैक नहीं कर पाते। सब कुछ पता अगर उनको 11th 12th से हो, एकदम बेस स्ट्रांग होना, तो बहुत ईजी हो जाता है। मेरा 11th 12th को पढ़ाने का पर्पज सिर्फ यही है कि मैं वो क्वालिटी आपको 11th 12th से दे पाऊँ कि आप बाद में कुछ भी करना चाहते हो, CA करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस विल बी द परफेक्ट क्लास फॉर यू। क्योंकि इसमें तो मैं 11th 12th के साथ ना जो हायर लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराता हूँ, ऑप्शनल है, डरना मत। मतलब करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, आप उनको स्किप कर सकते हो। मतलब मैं जब 11th क्लास के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ ना, इतना प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ और इतना प्रैक्टिकली के साथ साथ मैं आपको CA फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस भी कराता हूँ, CA फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी कराता हूँ, 12th में भी कराता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? ऑप्शनल हो गए, अगेन आई एम सेइंग ऑप्शनल है, मतलब जो करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं स्किप करिए, वो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ताकि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जो एक बार सोचिए, जब 11th 12th में आप वो पार्ट कर लेंगे CA फाउंडेशन, तो 11th में क्यों नहीं रैंक लेके आएंगे, एकदम रैंक बनती है आपकी, ठीक है। सो बहुत अच्छे से वहाँ पे मार्क्स लेके आ सकते हो और जो पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत यूनिक रहता है। मतलब इवन मैं आपको बताऊँ तो जो 11th में हम जनरल एंट्री सीखते हैं ना, जनरल एंट्री सीखने में, लेजर सीखने में स्टूडेंट्स 3 से 4 महीने लगा देते हैं जनरल एंट्री में, उसके बाद भी वो कमांड नहीं आती है। जनरल एंट्री के लिए पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा है क्लास 11th का, उसके लिए मैंने स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिसर्च की थी, मतलब एक फॉर्मूला इन्वेंट किया है जिसका कॉपीराइट भी है। सो वो स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ जनरल एंट्री, स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ हमारा लेजर, स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ PL, स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ बैलेंस शीट, स्मार्टेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा कॉम्बिनेशन, मतलब बिल्कुल यूनिक मेथड हमने इन्वेंट किया। वो मेथड के कॉपीराइटेड मेथड है, मींस जो हम मेथड पढ़े जा रहे हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हैं, वो सब आज से 200 साल पुरानी बात है। वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी, आज के टाइम पे कौन उसको पढ़ता है। तो नए मेथड से बहुत ईजी से, मतलब जब आप पढ़ेंगे ना, इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे हम उस सिलेबस को, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो मतलब एकदम ऐसा मजा आएगा, इन्वॉल्व होके होंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, मजाक भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब चीजें करेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग क्लासेस। मतलब डाउट आने का तो डाउट ही नहीं बनता है। स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं क्लास में, वो कहते हैं मुझे, मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि डाउट्स क्यों नहीं आ रहे, कहीं दिक्कत तो नहीं है, बट बाद में देखा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सर डाउट्स नहीं आ रहे हमें। सो दैट्स विल बी द क्वालिटी इफ यू वॉन्ट कि बाद में CA CSCMA MBA इस तरह के कुछ टॉप लेवल करियर करने हैं, सो स्पेशली CA, सो ये कोर्स तो डेफिनेटली 100% आपके लिए परफेक्ट है 11th से स्टार्टिंग करने के लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। 11th की क्लास मिल रही है बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के, और क्या चाहिए आपको। सो 11th 12th में आपको बहुत मिलेगा, स्पेशली अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो थ्योरेटिकल होते हैं, वो तो वैसे भी कवर हो जाते हैं हमारे। सो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप 11th क्लास में। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो मनीष सर पढ़ाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो 11th को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद CA CSCMA में सब्जेक्ट्स लेते हैं वो। सो मनीष सर मेरे फादर हैं, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स लेते हैं,
उनको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। इवन मेरे सीए बनने के पीछे भी मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ, मैं आज सीए हूँ, मैं ये बन पाया हूँ उनके कारण, मैं उनसे पढ़ाऊँ, ठीक है। सो वो क्वालिटी मैं आपको 11 12th में वो आपको पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास टाइम नहीं होता, मेरे कहने पर वो 11 12th के लेक्चर्स लेते हैं। मेरा मेन पर्पस ही रहता है कि 11 12th में बहुत अच्छा थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमी, उसमें वो आपको बहुत अच्छी कमान दे सके। 12th में मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि इतना टाइम वो डिवोट नहीं कर पाते हैं, फिर वो सीएमए में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं। सो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, ट्राई करिए, डेमो देखिए, आप डेमो की डिमांड करिए जहाँ पे भी देख रहे हैं, दैट डिपेंड। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में डेमो मिल रहा है, वेबसाइट पे है, वेबसाइट में नीचे डेमोज मिल रहे हैं, वहाँ पे देखिए। अगर आपने ऑलरेडी डेमो देखे हैं तो अभी क्लास को ज्वाइन करिए, बहुत नॉमिनल फीस, आई विल से कोई भी सीए ऑनलाइन इतनी सस्ती फीस में आपको नहीं पढ़ाएगा, बहुत नॉमिनल फीस है, सो दैट हर कोई अफोर्ड कर सके इसलिए। सो बहुत अच्छी जर्नी है 11th विद सीए का, अगर आपका सपना है बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसानी मेथड में पढ़ेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।